नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर के गांव दौलतपुर में भारतीय किसान यूनियन की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राकेश टिकैत शामिल हुए। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव दौलतपुर में श्यामपाल चेयरमैन के आवास पर भारतीय किसान यूनियन की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने पहुंचकर सभा को संबोधित किया और श्यामपाल चेयरमैन को भारतीय किसान यूनियन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष नवीन राठी, मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर, एनसीआर महासचिव कपिल खाटियान, जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा, मेरठ प्रभारी अशोक घटायन, जिला महासचिव विदेश मोतला, कतौली नगर अध्यक्ष राकेश ताजपुर, मंडल उपाध्यक्ष अंकित राठी, जिला सचिव रंधोर राठी, अशोक प्रधान, मोहित प्रधान, आदित्य प्रधान, नगर अध्यक्ष कुलबहार उपेंद्र राठी आदि मौजूद रहे। मैंने और मेरे अलावा सैकड़ों लोगों ने पूरे क्षेत्र के किसान यूनियन ज्वाइन किया है और हम तो पहले से ही किसान यूनियन के जो किसान की बात करता हो वो कोई संगठन हो उसके मुरीद उसमें काम किया हमने। आज पुनः मेरे आवास पे गांव दौलतपुर में दौलतपुर के लोग, आसपास क्षेत्र के लोग, सभी लोगों ने किसान यूनियन को पुनः ज्वाइन किया। किसानों के मुद्दे किस तरीके से आप उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय किसान यूनियन में अब आपने शुरुआत फिर से दोबारा ज्वाइन किया, तो क्या मुद्दे आप लेके चलेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, किसान यूनियन का जो नाम है ना किसान, सबसे पहला काम है किसानों की लड़ाई को लड़ना, किसी भी तरह का मुद्दा हो। और किसान 36 बिरादरी इसमें किसान में आती हैं, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, सबसे प्रथम प्राथमिकता किसान को है। उसके बाद किसी भी कोई समस्या व्यापारी की हो, अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति आम नागरिक पे, किसान पे, व्यापारी पे, मजदूर पे कोई जुर्म करता है, जबरदस्ती करता है, तो उसकी मुक्ति के लिए, उसका अधिकार, उसका हक दिलाने के लिए किसान यूनियन इस लड़ाई को पहले से लड़ती रही, आगे भी लड़ती रहेगी। 26 जनवरी का प्रोग्राम, उसकी तैयारी, क्योंकि जींद में बड़ा प्रोग्राम होगा, उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आए। हम भी करीब 12-14 दिन में बाहर से आए, कई प्रदेशों में हम गए थे, तो उसकी क्या क्या तैयारी देश भर में है उसकी जानकारी यहाँ पर लोगों को दी। और ये सब लोग पुराने लोग हैं, जो टिकैत साहब के टाइम के लोग हैं, वे लोग सब थे। 26 तारीख में आप ट्रैक्टर मार्च निकाले, कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ तक वो जाए? नहीं, वो यहाँ पे 13 जिलों में तो ज़्यादातर लोग जींद जाएंगे और मार्च जो होगा वो आप अपने क्षेत्र में ही निकाल सकते हैं। अब अपने क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर रहेंगे, अब अपने DM के यहाँ, SDM के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, तो वहाँ पर वे ले जा सके। 28 तारीख में जो धरना चलेगा, क्या क्या मांग आपकी रहेगी? देखो, डिमांड ये रहेगी हमारी, 28 तारीख में धरना रहेगा, 28 तारीख में गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट, बिजली की समस्या, मीटर, आवारा पशु, जो जमीन अधिग्रहण हो रही है पट्टे की, खास करके जमीन, वे इशू रहेंगे। जो लोग हमारे जेल में बंद हैं वो इशू रहेगा। बहुत हाईवे निकल रहे हैं अपने, खास करके मुजफ्फरनगर और इस क्षेत्र में, उनमें बड़ी समस्या है, अंडरपास की समस्या हो, उसकी हाइट बढ़ाने की हो, कहीं कट दुआने की है, तो सबका समाधान एक ही जगह से होगा, गवर्नमेंट कॉलेज का फील्ड, वहीं अधिकारियों से बातचीत करते रहेंगे। अधिकारी जो एक दिन में समाधान कर देंगे, एक दिन में हो जाएगा, नहीं तो धरना चलेगा। अच्छा, आपने मुझसे बोला कि जो किसान की जमीन है वो सारी ले ली जाएगी, जागी इस तरह की प्लान बन रही भाई। हाईवे पे आप देखोगे ज़्यादातर हाईवे की जमीन चली गई। व्यापारी कौन सी स्कीम आएगी कि व्यापारी सब जमीन पर खरीद रहा, हाईवे की सब जमीन खरीद रहा, प्लान क्या है उनका? क्या वे खेती कर रहे हैं, बाउंड्री वाल करके छोड़ रहे? तो ये पूरी प्लान सरकारों की है कि जमीन इनसे छीनी जाए, फसलों के दाम नहीं देंगे, जमीन ने खरीद देंगे। आपने कहा कि मनसे की गांव से पशु खत्म हो जाएंगे, किसान सब खत्म होगा, ये पूरी पॉलिसी है इनकी। ये पॉलिसी इस तरह की है कि जैसे टर्की एक कंट्री है, वहाँ का पशुधन खत्म वहाँ का होगा, ऐसे ही यहाँ पे बीज कितनी तरह के बीज आ रहे, उससे किसान बर्बाद हुआ, कितना महंगा सीड आज सारी चीज झुका रहा, फसलों के कीमत नहीं मिलती। स्वामीनाथन कमेटी, जैसे टर्की एक कंट्री है,
वहाँ का पशुधन खत्म वहाँ का होगा। ऐसे ही यहाँ पे बीज कितनी तरह के बीज आ रहे, उससे किसान बर्बाद हुआ, कितना महंगा सीड आज सारी चीज़ जुका रहा, फसलों के कीमत नहीं मिलती, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, MSP गारंटी कानून नहीं है, लोग तंग होकर अपनी ज़मीन बेचेंगे, अपने खर्चे ज़मीन बेच कर चलाएंगे, जब ही तो ये मजदूर बनेगा, इनको सस्ता मजदूर चाहिए, सस्ता मजदूर खेती से आएगा। एक बड़ी प्लान के तहत ये काम हो रहा है, जैसे ब्राज़ील में 280 आदमी के पास में वहाँ की ज़मीनें हैं, 280 बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे खेती करती हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये कंपनियों के हवाले इसको करना चाहते हैं, जैसे 3 कानून आ रहे थे कि मंडियाँ ख़त्म कर दीजिए, आप कहीं बेच लो। बिहार में 17 साल पहले मंडियाँ ख़त्म हुई और आज बिहार के किसान का हाल देखो। बिहार सबसे पहले ट्राल पे है कि बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके खेती करेंगी अब, क्योंकि मंडियाँ है नहीं, और वहाँ का सब किसान निकल के, उनके बच्चे निकल के मजदूरी कर रहे हैं पूरे देश भर में। आप भी देखते होंगे कहाँ के जी, बिहार के मजदूर नहीं आए, वे किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन वहाँ पे रेट नहीं है, उनका धान 800 रुपया क्विंटल बिकता है। आप देखे होंगे इन सड़कों पर ट्रक भर भर कर इधर गुजा रहे, सब सस्ता माल खरीद कर बाहर बेचते हैं। तो बड़ी साजिश रची जा रही है, आपस में झगड़े करवाने की साजिश, देश को तोड़ने की साजिश। पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाए, किसने करवाई भाई, अब सिख और ये लोग साथ में आंदोलन में साथ में रहे, आज उनके झगड़े के हिंदू और सिखों में आपस में झगड़े पे एक प्लान बना रहे, तो एक बड़ी साजिश रची अच्छा, जा रही है। भुगतान की मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है? गन्ना भुगतान की कुछ फैक्ट्रियों ने तो पिछले साल का भी नहीं दिया, कुछ फैक्ट्री है, कई फैक्ट्री हैं जिनका बकाया है, कुछ फैक्ट्रियां ठीक चल रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।